जेईसी हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, रूम सिंगल सीटर है, डबल सीटर है, मैच फैसिलिटीज कैसी हैं, सबका आंसर देगा रे तेरा जीपीएल। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और ये वो समय है जब हॉस्टल में मैक्सिमम लोग सोने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं फिलहाल 4 बजे उठ गया हूँ। तो चलो फिर फटाफट सामान वगैरह पैक करते हैं और निकलते हैं सूटकेस लेके। तो अभी सुबह के 8 बज गए, वैसे उठा तो मैं 4 बजे था शूटिंग करने के लिए, लेकिन हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा था तो 8 बज गए। लेकिन चलो कोई नहीं, यहाँ पे 3 हॉस्टल हैं आमने सामने और टोटल जेईसी में बॉयज हॉस्टल 8 है, और गर्ल्स हॉस्टल का तो अभी तक पता चल नहीं पाया मेरे को। बाकी आपको जानना हो तो कमेंट कर देना, मैं पता करके बता दूंगा। यहाँ लेफ्ट साइड में एक ग्राउंड है जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है मेनली। तो चलो अभी मेन अपन हॉस्टल को एक्सप्लोर कर लेते हैं अंदर जाके कि कैसे क्या रूल्स हैं। तो यहाँ लेफ्ट और राइट साइड में हमारे हॉस्टल के रूम्स हैं। अप्रॉक्स हर हॉस्टल में 51-52 रूम्स हैं और हर रूम की कैपेसिटी 2 स्टूडेंट्स की है, मतलब हर रूम में 2 स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ सामने हमारा मैस है। मैस में 2 टाइम खाना मिलता है, लंच होता है दोपहर 12 से 2 के बीच और डिनर होता है रात में 8 से 10 के बीच। और मैस की जो फीस है वो अप्रॉक्स 2200 है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है हॉस्टल टू हॉस्टल। एंड मैस में खाना अनलिमिटेड है। और ये हमारे हॉस्टल का बैडमिंटन कोर्ट है यहाँ पर। तो मेनली हर हॉस्टल में ऐसा छोटा सा ग्राउंड है, जहाँ किसी हॉस्टल में वहाँ वॉलीबॉल कोर्ट है, तो हमारे यहाँ बैडमिंटन कोर्ट है। अभी समर सीजन में तो यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं, बाकी विंटर में और शाम के टाइम में बैडमिंटन खेला जाता है। तो ये हमारे रूम्स हैं। तो जैसे कि रूम जो है वो डबल सीटर है, तो हर एक रूम में आपको 2 बेड मिल जाएंगे। इसमें जो गद्दे और पिलो हैं ये आपको खुद से लाना पड़ेगा, ये यहाँ से प्रोवाइड नहीं होते। बाकी हर एक रूम में आपको एक ऊपर सीलिंग फैन मिल जाएगा, इसी के साथ एक टेबल और एक चेयर मिल जाएगी एंड एक शू स्टैंड मिल जाएगा। शू स्टैंड होता है वो 6-7 रूम के बीच एक होता है, मतलब हर एक बैरिक में एक, बट इन्होंने अपने रूम के अंदर ही रख लिया। बाकी एक रूम में आपको 2 अलमीरा मिल जाएगी, दोनों के लिए एक अलमीरा, जिसमें आप अपना कीमती सामान वगैरह रख सकते हो, लैपटॉप हो या जो भी है। तो यही सब हमको इस रूम में मिलता है, बकेट वगैरह सब आपको खुद से लाना पड़ेगा। एंड लाइटनिंग के लिए ऊपर ट्यूबलाइट मिल जाती है, बाकी अलग से आप बल्ब वगैरह लगा सकते हो, तो इसमें लाइटनिंग में कोई दिक्कत नहीं होती रूम में। एंड लास्टली अगर वॉशरूम की बात करें तो हर एक फ्लोर पर 2 विंग्स हैं और हर एक विंग में 4 वॉशरूम्स हैं। और सिंपली अगर मैं बताऊँ तो वॉशरूम को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।